तो सबको राम राम भाई, होपफुली आप सभी अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए। तो आज की रनिंग भाई मेरी हो गई है और आज एक कमाल का इंसिडेंट हुआ। रात को अलार्म तो लगाया मैंने, लेकिन मैंने उसको उसकी साउंड बंद कर दी, मुझे लगा कि वाइब्रेशन पे बच जाएगा, पर भाई बजा नहीं और लेट हो गया मैं उठने में। मुझे था कि भाई साथ में और तीन जने सो रहे हैं, उनकी नींद ख़राब ना हो, बट आँख ही नहीं खुली। पर वही बात, ज़्यादा लेट हुआ नहीं, मैं एक ही घंटा लेट हुआ था, 7 बजे खुल गई थी। वैसे मैं 6 बजे उठता हूँ यहाँ पे जब होता हूँ, मतलब बाहर। तो खैर अभी सही टाइम पे निपट गया हूँ मैं, और आज मेरे को निकलना है यहाँ से, ब्रुसेल्स जाऊँगा मैं, बेल्जियम। और यहाँ का एक्सपीरियंस भाई मिक्स रहा मेरा, उम्मीदें मेरे को बहुत थी यहाँ से, लेकिन कोई ख़ास चीज़ें मेरे को यहाँ नज़र नहीं आई। लेकिन ये था कि हाँ, जब तक हम किसी चीज़ को देखते नहीं हैं तब तक हमें पता नहीं चलता चीज़ों का। तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा, म्यूनिक मेरा बहुत अच्छा रहा, और जर्मनी भाई ना ये बर्लिन ठीक ठाक रहा, मिक्स रहा, अच्छा भी था और कुछ ख़राब चीज़ें भी दिखी यहाँ। लेकिन ये है कि दोनों ही जगहों का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा मेरा, कोई दिक्कत हुई नहीं मेरे को। तो अभी मैं होटल जाऊँगा और ब्रेकफास्ट करके नहा धो के और फिर निकलूँगा, ट्रेन पकड़ूँगा, वही 8 घंटे की ट्रेन है, 2 ट्रेन बदलनी है, कलोन से चेंज करनी है। तो पकड़ते हैं ट्रेन और निकलते हैं यहाँ से, और बीच में आपसे बात करता हूँ फिर मैं। तो मैं आ गया हूँ भाई ब्रेकफास्ट करने, और फिर से वही ब्रेकफास्ट जूस है भाई, ओट्स, फ्रूट्स सेम है वही जो कल था ना, ये दूध है, ये ब्रेड्स हैं, अंडे हैं, इधर टी है, कॉफ़ी है। तो भाई दोस्तों मैं आ गया हूँ बस स्टॉप पे, वो रहा मेरा हॉस्टल पीछे, ग्रैंड हॉस्टल। और अब मैं निकल रहा हूँ रेलवे स्टेशन के लिए, 1 मिनट में बस आ रही है M41, वो पकड़ के रेलवे स्टेशन जाएंगे और वहाँ से फिर ब्रुसेल्स के लिए निकलेंगे। और आप ये देखो, ये देखो भाई, ये खेल चल रहा है यहाँ। तो अभी बस आएगी इधर से और फिर निकलेंगे। M41 ये घूम रहे हैं, तो ये हिसाब है यहाँ पे, देखो ऐसे ऐसे ज़ॉम्बी हैं यहाँ पे भाई, एक ये घूम रहा है। हर 2-4 मिनट में आपको ऐसे ऐसे करेक्टर यहाँ पे मिलेंगे दिखने के लिए। आ गई बस, ये बस पकड़नी है। तो पहुँच गया हूँ भाई मैं रेलवे स्टेशन, ये देखिए पीछे जहाँ हम आए थे परसों, वही है बर्लिन SBF। तो यहाँ से पकड़ेंगे अब ट्रेन, देखते हैं कितनी देर की है और फिर निकलते हैं यहाँ से। ये देखो भाई स्टेशन, कनेक्टिविटी यहाँ पे अच्छी है, बसें भी आ रही हैं, ट्रेन भी है, मेट्रो भी है, सब है, जो कि मेन स्टेशन है तो अच्छी कनेक्टिविटी रहती है, रेड लाइट हो रखी है। और वो रहा टीवी टावर, नज़र आ रहा होगा आपको मेरा, तो देखते हैं भाई कितनी देर की ट्रेन है। अभी 11:45 की दिखा रहा है और अभी 11:30 हुए हैं, चलते हैं देखते हैं क्या सीन है। तो ये आ गई है भाई ट्रेन, और पकड़ते हैं इसको और निकलते हैं यहाँ से। तो भाई दोस्तों हुआ कुछ ऐसा कि मैंने पकड़नी थी ट्रेन और मैं बुक कर रहा था टिकट। अब टिकट बुक करते हुए हुआ क्या कि 2 टिकट दिखा रहा था, एक बर्लिन से डिसलडॉर्फ की और एक बर्लिन से कलोन की। अब डिसलडॉर्फ की जो ट्रेन थी वो मेरे सामने खड़ी थी, बिल्कुल बैठने वाला था उसमें, इतनी देर में चल पड़ी वो। अब वो ट्रेन मेरी निकल गई तो बची फिर ये कलोन वाली ट्रेन। अब कलोन से चेंज करनी है ब्रुसेल्स के लिए, डायरेक्ट नहीं जाती वहाँ पे, और ब्रुसेल्स जाने के लिए हमें सीट बुक करनी पड़ती, रिज़र्व करनी पड़ती है। तो सीट रिज़र्व करने में टाइम लग गया थोड़ा, तो इतनी देर में वो ट्रेन निकल गई
कहीं से भी जाओगे आप इंटरनेशनल, आपको सीट रिजर्व करनी ही पड़ेगी। इंटर सिटी में कोई दिक्कत नहीं है, आप चढ़ जाओ, आपके पास यू रेल पास है तो सीट बुक करने में। वो ट्रेन मेरी निकल गई, अब ये दूसरी ट्रेन मैंने पकड़ी है एक घंटे बाद की थी, वहाँ पे थोड़ी देर वेट किया तो ये ट्रेन आई, ये पकड़ी मैंने। अब यहाँ से जो सीट रिजर्व हो रही थी 10-15 मिनट का गैप था उस ट्रेन में और इस ट्रेन में, जो मेरे को यहाँ से ट्रेन पकड़नी थी वो जैसे ही यहाँ पहुँचती उसके 15 मिनट बाद मेरे को वो ट्रेन पकड़नी थी ब्रुसेल्स जाने के लिए, बट उसमें सीट ही नहीं थी तो इसीलिए वो ट्रेन मेरी मिस हुई। उससे अगली ट्रेन जो थी वो 30 यूरो की थी, उसमें भी सीट नहीं थी। उससे अगली ट्रेन वो 7:45 बजे की थी, उसमें सीट बुक हुई और 8 यूरो में हुई, यानी 700 रुपये मेरे को और एक्स्ट्रा देने पड़े, 720 रुपये और टिकट मेरी बुक हो गई। अब हुआ क्या है कि उस ट्रेन को पहुंचना था वहाँ से बर्लिन से यहाँ कलोन 5 बजे, 5:15 बजे पहुंचना था, और जो मैं ट्रेन बुक कर रहा था वो थी 5:35 की, यानी 20 मिनट का ही गैप था। अब देखो भगवान का ऐसा खेल होता है कि वो ट्रेन हो गई लेट जिसमें मैं बैठ के आ रहा था, और लेट हो गई आधा घंटा, तो 6:45 बजे वो यहाँ पे पहुँची, और पहुँची ऐसी कि कलोन पहुँचने से एक स्टेशन पहले ही रुक गई, उसमें कुछ टेक्निकल एरर आ गया और वो रुक गई। और अभी टाइम देखोगे ना आप, ये देखो 6:15 हो रखे हैं और मेरे को पकड़नी थी 5:35 वाली, तो 100% मेरी मिस होनी थी वो ट्रेन। और मेरे को लग रहा था कि मेरा दिन ख़राब हो जाएगा, वो ट्रेन बुक नहीं हुई जो मैं चाह रहा था। और अच्छा हुआ कि ट्रेन बुक नहीं हुई, क्योंकि ट्रेन लेट होने की वजह से मेरी ट्रेन कैंसिल हो जाती, मिस हो जाती, और दूसरा एक स्टेशन पहले यहाँ पे वो ट्रेन ख़राब हो गई, तो वहाँ से फिर मेट्रो पकड़ के मैं यहाँ मेन स्टेशन पे आया हूँ। ये है कलोन का मेन स्टेशन, ये देखो ये कलोन का मेन स्टेशन है। और इस स्टेशन से जब मैं बाहर निकला हूँ, अभी मेरी ट्रेन है 6:45 हुए हैं, 7:40 की है, अब इस स्टेशन से जब मैं बाहर निकला हूँ तो ये देखिए, इधर देखो, ये है भाई, ये देखना था मेरे को, इसीलिए सारा खेल हुआ है ये। ये देखो भाई, तो भाई ये जो चर्च आप देख रहे हो ये वर्ल्ड का सबसे ऊंचा चर्च है, जिसमें दो टावर हैं, देखो एक टावर ये रहा एक ये रहा, वर्ल्ड का सबसे ऊंचा है ये, और 157 मीटर इसकी हाइट है भाई, 150 मीटर से भी ज़्यादा है हाइट इसकी, ये देखिए बहुत ज़बरदस्त बना रखा है भाई। और ये देखना था भाई मेरे को इसीलिए मेरी ट्रेन मिस हो गई। ये जर्मनी के भाई मोस्ट विजिटेड प्लेसेस में से एक है, जहाँ पर लोग बहुत आते हैं, देखते हैं इसको अगर जर्मनी आए हैं तो। और ये भाई इसके आसपास का नज़ारा है, ये देखो एक खड़ा है यहाँ पे, ये वो झूल रहा है खड़ा खड़ा। और ये भाई इसके आसपास का नज़ारा है, एक बिल्डिंग ये रही, ये भी चर्च लग रहा है मेरे को, ये आईबीस होटल है, और ये भाई स्टेशन है। तो भाई सही हुआ मेरी ट्रेन मिस हो गई, वरना मैं देख नहीं पाता इसको, जो होता है इसलिए कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। और मौसम देखो बारिश का होने हो रखा है, धूप गई हुई है बिल्कुल, बादल ही बादल हो रखे हैं, क्या ज़बरदस्त बना रखा है यार ये, दूर से इतना ज़बरदस्त लग रहा था। मेरे को ये लग रहा था टाइम तो है मैं देखने जाऊँगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि बिल्कुल ही स्टेशन के बाहर है ये, यहाँ से स्टेशन से बाहर निकलने का रास्ता है ये, और ये सामने है चर्च से, इसी के साइड में से राइन रिवर जा रही है, राइन रिवर वही है जो बर्न के अंदर से निकलती है, जहाँ मैं रनिंग करता था वहाँ पे स्विट्ज़रलैंड में, वो राइन रिवर थी, वो यहाँ से होके निकलती है। ये देखिए, और ये देखो भाई ऊपर आ गया हूँ मैं, हवा पूरी तेज चल रही है, ये देखिए फास्ट, देखो क्या बढ़िया बना रखा है यार, जबरदस्त।
मौसम देखो कितना बढ़िया हो रखा है। और इसके सामने अगर मैं दिखाऊं तो ये देखिए, ये रहा स्टेशन। और ये यहाँ पे, यहाँ से मैं आपको अभी नीचे से दिखा रहा था ऊपर का व्यू, और ये ऊपर आके यहाँ ऊपर का व्यू है भाई। तो सही काम हो गया भाई, बैग तो खींचना पड़ रहा है साथ में मेरा, पर कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखो आपको मैं दिखाता हूँ, कैमरों की शॉप, कैमरे की शॉप है। ये देखो सारे लेंस हैं, और ये पोलराइड ज़बरदस्त है यार, बहुत बड़ी शॉप है। अजीब सही लेंस रखे हुए हैं, नए पुराने सारे रखे हुए हैं, रील्स भी हैं, ये पुराने कैमरे रखे हैं सारे, पुराने से पुराने एंटीक एंटीक सब रखा हुआ है इसके पास। ये कैनन के रखे हैं, निकॉन के हैं, बढ़िया शॉप है। ये लेंसेज हैं, ये दिखा रखा भाई कैसे बना था ये सारा, कैसे काम हुआ था इस पर। ये देखो कहाँ चढ़े हुए हैं। ये बता रखा है कैसे काम हुआ इस पे सारा, ये वर्ल्ड वार टू का दिखा रखा है, तबाह हो रखा आसपास का एरिया पूरा देखो। और यहाँ से वह एंट्री हो रही है, ये देखिए पीछे से देखते हैं अंदर जाके क्या है। तो भाई रोक दिया है क्योंकि मेरे पास ये ट्रॉली है, इसीलिए मुझे रोक दिया है, कह रहे ट्रॉली अलाउड नहीं है। और यहाँ कहीं मेरे को लगेज रूम भी नज़र आ रहा, स्टेशन में ही देखते हैं, स्टेशन में इसको लगेज में रख के फिर अंदर जाने की कोशिश करते हैं। टाइम भी हो रहा है वैसे ट्रेन का, देखते हैं कुछ जुगाड़। तो भाई ये मशीन ली है मैंने, इसमें देखो ये खुल गया है, और बैग रखना है इसमें। तो भाई इस मशीन में मैंने यहाँ पे लगेज रख दिया है देखो, यहाँ पे इसके अंदर। और ये कार्ड इन्होंने मेरे को दिया है, 3 यूरो मेरे से लिए हैं कार्ड लिया है। और टाइम हो चुका है 7 बजे का, तो जल्दी से 15 मिनट में देख के अंदर से और निकलते हैं, क्योंकि 7:40 पे ट्रेन भी है। तो देखते हैं भाई, और आते आके दिखाता हूँ आपको कैसे लगेज अंदर गया है, कैसे बाहर निकालना है वो सारा दिखाता हूँ आपको प्रोसेस। तो अभी घुसते हैं चर्च के अंदर सबसे पहले, लेट हो रहे हैं, अब दौड़ लेता हूँ थोड़ा। पहुँच गया हूँ भाई दौड़ दौड़ के, अभी देखते हैं अभी क्या प्रोसीजर है, यहाँ टिकट है क्या है। अब घुसते हैं अंदर, इसने रोक दिया था मेरे को, ये खड़ा लाल कपड़े वालों। ये एंट्री है भाई ज़बरदस्त, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने मोमबत्तियाँ जला रखी हैं। ये देखो भाई जीसस को दिखा रखा है सूली पे से उतार कर। ये देखिए कितना बड़ा है चर्च, बहुत ही बड़ा है भाई, प्रेयर चल रही है और यहाँ तो बैठे हैं लोग कुछ। ये देखिए ये देखो ऊपर देखो, अच्छा बना रखा भाई, पिलर देखो कितने बड़े हैं, बहुत ही बड़े पिलर हैं भाई। ये खड़े हैं लोग, इनसे अंदाजा हो रहा होगा आपको।
यहाँ अंदर चल रही है प्रेयर, रोक रखा है ये लगा के। ये घूम रहा है भाई, इसने रोका था, कोई नहीं, रख दिया मैंने लगेज। ऊंचा देखो कितना है, ये देखो बहुत ही ऊंचा है भाई। ये भाई सामने एक मूर्ति से रखी हुई है, और ये इधर देखिए कितना बड़ा है। इनकी एक खासियत है भाई, टिकट विकेट कुछ नहीं ली वरना हर जगह चर्च में कहीं टिकट ले रहे हैं, कहीं 5 यूरो ले रहे हैं, कहीं 10 यूरो ले रहे हैं। ये अपना इन्होंने अपना रीमेंट्री दी है, ये देखिए एक फ्लोरियर है ऊपर, बहुत बड़े बड़े पिलर हैं। ये पेंटिंग देखो यहाँ, यहाँ भी मोमबत्तियाँ जला रखी हैं भाई। सही में बहुत बड़ा है भाई, इतना बड़ा चर्च मैंने नहीं देखा कभी। बहुत सारे चर्च देखे मैंने, रोम में भी देखे, जगह जगह देखे, पर इतना ऊंचा चर्च मैंने नहीं देखा कभी। स्विट्जरलैंड में भी बहुत चर्च थे, रोम में तो यही दुनिया में सबसे ज़्यादा चर्च वहीं पर हैं। तो बहुत बड़ा बना रखा है। निकलते हैं यहाँ से, अब बैग उठाएंगे क्योंकि टाइम हो गया है अब 7:15 का। ये एग्जिट है भाई, ये खड़े कर रखे हैं यहाँ देखो, ये भाई मांगने वाले बैठे हैं, बैठा है एक, बैठी है ये देखो, बढ़िया सही भाई है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसलिए कहते हैं मेरा बढ़िया हो गया आज का। ये तो मेरी लिस्ट में कहीं भी नहीं था, अनएक्सपेक्टेडली मिला है। एक्टिंग देखो भाई, एक्टिंग देखो, ऑस्कर मिलेगा इसे, एक्टिंग देखो इसकी रोने की ये ऐसे ऐसे कलाकार हैं, घूम रही है, सारे भिखारी जर्मनी में ही आ गए हैं ऐसा लग रहा है। और कल बारिश बता रखी है 50%, 50% रेन की पॉसिबिलिटी है। अभी से मौसम बनना स्टार्ट हो गया है, और ब्रुसेल्स में तो आज भी बारिश बता रखी थी, हुई होगी ज़रूर। लगेज निकालते हैं और चलते हैं यहाँ से, अब जो देखना था वो देख लिया। तो अब मैं दिखाता हूँ भाई आपको कमाल, मैंने लगेज कहाँ रखा, ज़बरदस्त यहाँ से एंट्री करी, वो पीछे कैथेड्रल है और ये सामने लगेज रूम है। ये देखिए भाई, ये है लगेज मशीन, और इसके अंदर यहाँ पे मैंने रखा है अपना लगेज। अब लगेज लेना कैसे है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है ये मेरे को ऐसा लग रहा है इसके अंदर टच करना है, नहीं
इसके अंदर डालना है। इसके अंदर भी नहीं जा रहा, कहाँ से आए? अच्छा इसके अंदर डालना है, ये रहा गया, ये मशीन के अंदर चला गया भाई। और यहाँ से अब मेरा लगे जाना स्टार्ट हो गया है। देखो अब देखते हैं कौन से में से निकलेगा। इस कार्ड मशीन से, ये इसी में मशीन है, इसमें 3 यूरो दिए थे तो लगेज अंदर चला गया था और ये बाहर आ गया भाई। ये मेरा लगेज आ गया बाहर। ये मज़ा है इसका। अभी हो जाएगी बंद तो 3 यूरो मेरे लगे हैं भाई, लगभग 270 रुपये लगे हैं, 270-280 रुपये। और काम हो गया बढ़िया। अब चलते हैं यहाँ से, ट्रेन देखते हैं। आई स्टैंड है मेरी 740 वाली है, और ये आई स्टैंड 740 5DG। ये रही, ये लास्ट में जो है ना 740 आई स्टैंड ब्रुसेल्स नोड ब्रुसेल्स मिडी 5DG पे आएगी। तो वही मेरे को लग रही है भूख, और ये यहाँ का मेरे को लोकल फूड लग रहा है। ये इसका नाम है डिंकल जिगन फिश कैसे, ये लेता हूँ मैं। सारा जो है वेजिटेरियन है यहाँ पे। तो जाना है भाई 5DG पे, क्योंकि ये आ रही है देखो 740 से, ये रहा 5DG, ये है 5DG। ऊपर जाने के लिए लिफ्ट का है और एस्केलेटर। तो 4 AC पे जा रहे हैं। तो भाई ये आ गई है ट्रेन, और इसमें बैठ के अभी हम निकलेंगे ब्रुसेल्स के लिए। 41 नंबर सीट है मेरी, और लास्ट का कोच है, ये देखो बिल्कुल लास्ट का कोच मिला है। इसको पकड़ते हैं और निकलते हैं। ये सीट है भाई। तो भाई दोस्तों मैं पहुंच गया हूं हॉस्टल में, और ये भाई कॉमन एरिया है, देख लो ये टेबल टेनिस की टेबल लगा रखी है। और ये थोड़ा लेट हो गया जाने में, अभी एक्सरसाइज करके ही आया हूं मैं यहाँ पे। तो आज का दिन तो भाई ट्रैवलिंग में निकला है मेरा। अब आपसे कल मिलते हैं फ्रेंड्स। ये किचन है भाई इनकी, ये देख लो किचन ठीक है, काम बढ़िया चलेगा यहाँ। तो कल मिलते हैं अब, और कल आपको घुमाता हूँ मैं यहाँ। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।